बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 10th की केमिस्ट्री के लेक्चर्स का आगाज किया हुआ है और आज हम इसमें जो है ना तीसरे चैप्टर का दो यूनिट के लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। तीसरे यूनिट का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस किया जाएगा 10th की केमिस्ट्री के लेक्चर्स के। इससे पहले लेक्चर्स का बकायदा आगाज करें, तमाम के तमाम स्टूडेंट से गुजारिश जो ऑलरेडी मौजूद हैं और जिन्हें अभी अभी ज्वाइन किया उनसे गुजारिश है तनवीर अहमद स्पीक चैनल को, तनवीर अहमद स्पीक फेसबुक पेज को, स्कॉलर्स अकेडमी एंड होम ट्यूटर्स को फॉलो कीजिए और आने वाले वक्त में जो भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड होगी उनका इंटीमेशन आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सके, इसलिए इनको सब्सक्राइब कीजिए। और वो लोग तलबा तलबात जो ऑलरेडी फीस पे कर रहे हैं और उनके पास रिसोर्सेज हैं वो अपने पैसे बचा सकते हैं इन लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद। वो तलबा तलबात जो फीस पे नहीं कर सकते और वो अपने गरीब तलबा हैं और वो इन लेक्चर्स को आसानी से घर में बैठ के अकॉर्डिंग टू पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट जो करिकुलम तरतीब दिया हुआ है और वो प्राइवेट अकेडमीज में जिस तरह पढ़ाया जा रहा है उन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखकर यहाँ पे भी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं तो आप उनसे मुस्तफीद हो सकते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अल्केन्स और अल्काइल रेडिकल्स और फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर 11 दसवीं जमात की केमिस्ट्री के लेक्चर इन प्रोग्रेस है। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम एज यूजुअल, आप इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद ये जो मंदरजा जात हैं आप बुलेट पॉइंट दिए गए हैं इनसे आपको तो बढ़ते हैं आगे इंट्रोडक्शन की तरफ कि आपने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो किस तरह चल रही होती है। इसके इंट्रोडक्शन में इब्तदा में 1828 से पहले जानदार अजसाम जानवर और पौधों से हासिल करते कंपाउंड से मुतल्लिक जो केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया जाता था। लफ्ज ऑर्गेनिक का मतलब जिंदगी की अलामत है। लेवास्टर ने साबित किया कि पौधों से हासिल किए जाने वाले कंपाउंड ज्यादातर मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि जानवरों से हासिल होने वाले कंपाउंड आपके पोटाशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फाइड वगैरह वगैरह उन पर चीजें शामिल होकर 19वीं सेंचुरी के शुरू में स्वीडन केमिस्ट ने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की। इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉरेटरी में तैयार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह ख्याल किया जाता था कि ये पूरे इसराफ कुबत के तहत जो कि वाइटल फोर्स के आती है बनते हैं जो सिर्फ जानवर अजसाम में पाई जाती है। इसके अलावा जो 1828 में वाटर फोर्स की जो थ्योरी उस वक्त पेश की गई जब वोलर ने इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को अमोनियम सल्फेट को गर्म करके पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया, यानी कि अमोनियम साइनाइड जो आपने तैयार किया। अमोनियम साइनाइड होता है, इसको रीअरेंजमेंट किया जा रहा था और इस तरह ये आपको ये बनता है अमोनियम साइनाइड, यानी कि यूरिया जो आप खाद बनाते हैं वो आप अमोनियम यानी कि आप साइनाइड के थ्रू आप इनको बनाते हैं। बाद में वाइटल फोर्स की थ्योरी अहमियत और भी कम हो गई जबकि कोरबल ने 1845 में लेबॉरेटरी में सल्फिक एस्टिक एसिड्स तैयार किया और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, एलिड्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, अद्वियात, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और पेंट्स, रंग, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक फाइबर्स और बहुत से पॉलीमर्स इनमें शामिल हैं और ये आपका इंट्रोडक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेक्स्ट जो हेडिंग है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें क्या होता है तकरीबन 10 मिलियन के करीब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अभी तक जो बनाए जा चुके हैं और हर साल हजारों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया जाता है, इसलिए इसकी पुरानी तारीफ को मुस्तरद किया जाता है, यानी कि द ओल्ड डेफिनेशन हैज बीन रिजेक्टेड और डिटेल इन्वेस्टिगेशन एक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पर बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद ये बात सामने आई है कि इन तमाम कंपाउंड्स में कार्बन, हाइड्रोजन के बुनियादी जुज़ की हैसियत से कोवेलेंट बॉन्ड्स के जरिए बड़े जुड़े होते हैं। पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बॉन्ड्स कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड उनके आपका डेरिवेटिव जिनको कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ी हुई कार्बन एक अहम बुनियादी जुज़ है, उसमें जो केमिस्ट्री की वो शाख जो कार्बोहाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव का मुताला करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अगरचे कार्बन के ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड्स के कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं समझा जाता क्योंकि इनकी खसूसियत ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक फार्मूला जरूर होता है, यानी कि ईच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज स्पेसिफिक फार्मूला, तो ये बाद में आने वाली डिटेल जो रिसर्च है उसके बारे में बताएगा। देर आर फोर स्टेप्स फॉर फार्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला और कंडेंस्ड फार्मूला और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसमें क्या होता है
कि वो फार्मूला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मालिक्यूल में मौजूद एटमॉस्फेयर असर तदाद गुजार करता है, मालिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। और मिसाल के तौर पर आपका ब्यूटन का फार्मूला जो है C4H10H2O जहर करता है, यानी कि ये ब्यूटन का फार्मूला है। और क्या जहर करता है, इसमें इसमें जो ब्यूटन कार्बन और हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनती है। और नंबर दो, इसमें ये ब्यूटन का हर मालिक्यूल 4 कार्बन एटम्स और 10 हाइड्रोजन एटम पर मुश्तमिल होता है। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला इस तरह बनता है। स्ट्रक्चर फार्मूला में क्या होता है, किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला उसके मॉलिक्यूल में मौजूद एलिमेंट्स के मुख्तलिफ एटम्स की सही तरतीब को जाहिर करना। स्ट्रक्चर फार्मूला में एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड को एक लाइन और डबल बॉन्ड को दो लाइन, यानी कि एक सिंगल लाइन को इस तरह जाहिर किया जा सकता है और डबल लाइन को इस तरह जाहिर किया जा सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से जाहिर किया जा सकता है। ये आपका स्ट्रक्चर फार्मूला। इसके साथ साथ किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर फार्मूला मतलब होता है। मिसाल के तौर पर ब्यूटेन का फार्मूला आपका जो C4H10 वगैरह है, तो इसको हम एटम्स के ग्रुप की निशानदही कंटेस्ट आपका सॉरी स्ट्रक्चर फार्मूला दर्जा ज़ैल है। और स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, इन ब्यूटन जो आपको H4 और CH10 कहा गया था, ये H4 यहाँ पे आपका कहला रहा, और जो यहाँ पे आइसोब्यूटन है वो यहाँ पे है, और इन ब्यूटन नॉर्मल जो ब्यूटन है वो आपका यहाँ पे लगा, यानी कि C4 और H10 H को साथ आप देखेंगे ये C4 है C को, और यहाँ पे जो है H10 है, आपको C4 के साथ H10 के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, या इनके ऊपर जो इसको घेरा दिया गया है पूरे का पूरे इमेज में, ये आपका स्ट्रक्चर फार्मूला कहलाता है। नेक्स्ट आपका कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला में क्या होता है, वो फार्मूला जो स्ट्रेट या ट्राइजन आपका ब्रांच्ड में कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए एटम के ग्रुप की निशानदेही करता है, उसको कंडेंस्ड फार्मूला कहा जाता है। और इसमें आपका नॉर्मल जो है वो H3C को हम किस तरह CH2 इस तरह हम जाहिर करते हैं, इस तरह आइसोबोटर में इसका इजहार इस तरह होता है, ये आपका कंडेंस फार्मूला कहलाता है। इसके साथ साथ आप वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के फार्मूलो की अकसाम का आप मजीद खुलासा इस तरह भी देख सकते हैं, और वो आप ये जो इन शक्लों की मदद से, और इससे पहले हम ये इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला को हम डिस्कस कर लेते हैं, इसमें क्या होता है, और इन टेबल्स को बाद में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये आपको सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसका जो वो फार्मूला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को जाहिर करता हुआ डॉट और क्रॉस फार्मूला या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला कहलाता है, यानी कि इनको इससे जाहिर किया जाता है, और इनको आपको इन शक्लों के साथ जाहिर करते हैं। ये समरी ऑफ द फार्मूला, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज रिप्रोड्यूस्ड, और इस तरह फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस तरह जाहिर किया जाता है, ये इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है जो जहां पे जाहिर किया है, जिस तरह पीछे हम दूसरे फार्मूले हम देख चुके हैं जिसमें क्रिस्टल फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला, अब वो आप उस तरह डैश के साथ और डबल डैश ट्रिपल डैश के साथ जाहिर किया था, यहाँ हम इनको डॉट के साथ जाहिर कर रहे होते हैं। इसी तरह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के फार्मूला की इन अकसाम का खुलासा हम यूं भी कर सकते हैं, ये ऑर्गेनिक फार्मूला है, और वो किस तरह हो सकता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की तादाद को जाहिर करता है, नंबर दो कंडेंस्ड फार्मूला हर कार्बन एटम से जुड़े हुए एटम्स का ग्रुप को जाहिर करता है, नंबर तीन आपका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूल्स में एटम की सही जो तरतीब को जाहिर करता है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग जाहिर करता है। तो इनकी डेफिनेशन को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फार्मूला को, इनको भी आप मेमोराइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एक नीचे टेबल दिया गया है 11.1, इसमें 10 हाइड्रोकार्बन्स के नाम मॉलिक्यूल्स और कंडेंस्ड और स्ट्रक्चर फार्मूला दिए गए हैं, तो उनको आप मेमोराइज कर सकते हैं। और वो नेम क्या है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, बुटेन है, और इनके ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये कंडेंस्ड फार्मूला और ये स्ट्रक्चर फार्मूला, यानी कि तीनों के तीनों चीज़ें आप दी गई हैं। अगर इन तमाम एटॉमिक नेचर्स को जो यहाँ पे कंपाउंड दिए गए हैं, इनके अगर फार्मूला मॉलिक्यूलर कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला मालूम कर रहे हों, तो आप इनको मेमोराइज करके अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो क्लासिफिकेशन है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह होती है, इसमें देखते हैं। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इनमें मौजूद कार्बन के ढांचे की बुनियाद पर दर्ज ज़ैल दो अकसाम हैं, नंबर वन ओपन चेन या
साइक्लिक कंपाउंड कहलाता है, नंबर दो आपका क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स आपका कहलाता है, और ओपन चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होता है, नंबर वन ओपन चेन साइक्लिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स में आकर कार्बन एटम्स आपस में जुड़े हुए नहीं होते, इस तरह ये कार्बन एटम्स की खुली चेन बनाते हैं, ये चेन आपके स्टीयर या ब्रांच्ड हो सकती है नंबर वन पे, और स्टीयर कंपाउंड्स में है जिनमें कार्बन एक एटम से सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स के जरिए स्टीयर चेन बना सकते हैं, जैसा कि आपको ये स्ट्रेट चेन बन रही है और स्ट्रेट चेन ये बन रही है। नंबर बी पे आपका है ब्रांचेड चेन कंपाउंड, वो है जिनमें स्ट्रेट चेन के साथ कोई और ब्रांच भी मौजूद होती है, जैसा कि यहां पे आपकी ये ब्रांच चेन है और ये ब्रांच चेन आइसो प्रोटीन चेन यहाँ पे आपके कहलाती है। इसमें ओपन चेन जो होती है वाले कंपाउंड एलिफिक कंपाउंड भी कहलाते हैं। क्लोज चेन और साइक्लिक जो कंपाउंड्स हैं वो किस तरह फंक्शनैलिटी जाहिर करते हैं आइए देखते हैं। और इसमें क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स जो होती है वो साइक्लिक कंपाउंड्स में उनके आखिरी कार्बन एटम्स आजाद नहीं होते बल्कि ये रिंग बनाने के लिए जुड़े होते हैं। इनको मजीद दो क्लासेस में तकसीम किया जाता है, नंबर वन होम्योसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, नंबर दो आपका हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और ये दोनों के दोनों इसके साथ फंक्शनैलिटी में इसके साथ जुड़े होते हैं। होम्योसाइक्लिक और कार्बो बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं इसको हम देखते हैं। होम्योसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें रिंग सिर्फ कार्बन एटम से बने होते हैं। इनके मजीद दो क्लासेस हैं, एरोमेटिक कंपाउंड और आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, यानी कि होम्योसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक के भी दो अकसाम है जिसको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है आइए इसमें आगे चलकर देखते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूल में कम से कम एक बेंजीन रंग मौजूद हो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। एक बेंजीन रंग सिक्स कार्बन एटम्स पर मुश्तमल होता है जिसमें जिसके बाद दिख रहे तीन डबल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, ये एरोमेटिक कहलाते हैं। ये बहुत तेज एरोमा या डोर होते हैं, मिसाल के तौर पर बेंजीन है आपका और आप मिथाइलिन इसके साथ बनाएंगे तो दे आर आल्सो कॉल्ड बेंजाइन कंपाउंड्स, और ये आपको बेंजाइन कंपाउंड्स को भी इनको कहा जाता है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होता है, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूल्स में बेंजीन रंग मौजूद नहीं होता एलिसाइक्लिक या नॉन बेंज कंपाउंड कहा जाता है इसको। मिसाल के तौर पर ये साइक्लोबुटेन है और ये आपकी साइक्लो आपकी वैक्सीन कंपाउंड है, तो इस तरह इनको मस्त के साथ ये साइक्लोक है, ये साइक्लो वैक्सीन को इस तरह इनको जाहिर किया जा सकता है जैसा कि इमेज में दिखाया गया है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनके रंग में कार्बन एटम्स के अलावा एक या एक ज्यादा दूसरे एलिमेंट्स के मौजूद हों या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, और इसको हम थाइफेन और पाइरिडाइन कहा जा सकता है, यानी कि पैराडाइन कहा जा सकता है, ये आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है और इनको इस तरह डिनोट किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट्स इसमें जो चीजें हैं क्लासिफिकेशन दी गई है समराइज किया गया है एज फॉलो, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये ओपन है, ये साइक्लिक है और इनको इस तरह ये स्ट्रेट है, ये ब्रांचेड है, ये साइक्लिंग कंपाउंड्स की इसको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर आप शो करना चाहते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन देखना चाहते हैं, समराइज करना चाहते हैं पूरे का पूरा ऑर्गेनिक प्रोसेस को, तो ये इमेज आप मेमोराइज कर सकते हैं और इनको आप राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की किसी तादाद और तनवो क्या हो जाती है, आज तक मालूम होने वाले एलिमेंट्स की कुल तादाद 118 है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स की तादाद 10 मिलियन से ज्यादा है, अगर बाकी तमाम दूसरे एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को इकट्ठा किया जाए तो इनकी तादाद फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बहुत कम होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की इस कसीर तादाद की वजूहत मंदरजा असार हैं जिनके कंटीनेशन होता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की इस कदर तदीद की सबसे बड़ी वजह यह कि कार्बन एटम एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़कर बहुत लॉन्ग चेन्स या रंग बनाते हैं, ये चेन्स स्ट्रेट या ब्रांडेड हो सकती है कार्बन एटम के दूसरे कार्बन के साथ, लॉन्ग चेन्स या रंग्स बनाने की सलाहियत आपकी कंटिनेशन कहलाती है, और दो जो एलिमेंट्स को कॉम्बिनेशन का मुजाहरा करने के लिए दो बुनियादियों की यानी कि दो एलिमेंट्स की जरूरत होती है, नंबर वन पे एलिमेंट्स की बैलेंसी दो या ज्यादा होना चाहिए, नंबर दो एलिमेंट्स का आप अपने एटम्स के साथ बना हुआ बॉन्ड किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बने हुए बॉन्ड खास तौर पर ऑक्सीजन से ज्यादा मजबूत होना चाहिए, तो इस तरह इनकी डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में जाहिर किया जाता है। इसके साथ साथ सिलिकॉन और कार्बन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी होती है, लेकिन कार्बन जो आपका कंटिनेशन का मुजाहरा करती है जबकि सिलिकॉन नहीं कर सकती, इसके बाद सबसे बड़ी यह है कि जो सीसी बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी है यानी कि 355 किलो जौल मोल है जो कि सिलिकॉन बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी 200
के जो है से ज्यादा इसलिए सीसी बॉन्ड्स ताकतवर होते हैं। दूसरी तरफ जो सिलिकॉन ऑक्साइड ओ बॉन्ड्स है यानी ऑक्सीजन है उसकी बॉन्ड्स एनर्जी किलो जो 452 है जो कि सी ओ बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी 351 है से ज्यादा इसलिए सिलिकॉन ऑक्साइड जो बॉन्ड्स ताकतवर है। यही वजह से सिलिकॉन खुद ही तौर पर सिलिकॉन सिलिकेट की शक्ल में पाया जाता है यानी कि सिलिकेट्स की शक्ल में पाया जाता है जो सिलिका कुदरती तौर पर क्योंकि उनमें किलोजोल मोल की जो तादाद है वो ज्यादा था। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेहतर की एक और वजह आइसोमेरिज्म है। अगर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा हो तो उसमें क्या होता है लेकिन उनके मॉलिक्यूल्स में एटम्स की तरतीब या स्ट्रक्चर फार्मूला मुख्तलिफ हो तो ऐसे कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। तो उसमें मजीद आप क्या देख सकते हैं कि आइसोमर्स स्ट्रक्चर की तादाद में इजाफा का मुमकिन बनाता है। मसलन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आपका C5H12 को तीन मुख्तलिफ तरीकों से ज़ाहर किया जा सकता है। फर्स्ट C5H12 के तीन आइसोमर्स हैं जैसा कि नीचे दिखाया गया है और वो एन पेनिट्रेट है और ये आपका आइसो पेनिट्रेट है, ये आपका न्यू पेनिट्रेट है। तो इस तरह इनको यहाँ पे दिखाया गया। याद रखिए यहाँ पे आप मॉलिक्यूलर फार्मूले में कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ने से आइसोमर्स की तादाद में भी इजाफा हो जाता है। और नंबर थ्री आपका यहाँ से स्टार्ट होता है स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। इसमें क्या होता है कि आप जो कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड की जो मजबूती है यानी कि आप स्ट्रेंथ आप उसमें आपकी जो बहुत छोटे साइज की वजह से कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हेलोजेंस के साथ बहुत मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड्स बना देते हैं तो ये खसूसियत भी इसे बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाने के काबल बनाती है। नेक्स्ट आपका मल्टीपल बॉन्डिंग, मल्टीपल बॉन्डिंग अपनी आपके टेट्रावेलेंसी को मुकम्मल करने के कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बना सकता है। इस वजह से कंपाउंड्स की तादाद में इजाफा मुमकिन होता है। एथिन में दो कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इथाइल में डबल बॉन्ड के जरिए और एस्टिलेन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। और आपके नेक्स्ट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि जो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जनरल खसूसियात क्या है। नंबर वन आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मंदरजा ज़ैल खसूसियात हैं। ओरिजिन, ओरिजिन में कुदरती तौर पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पौधों और जानवरों से हासिल किए जाते हैं जबकि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें मिनरल्स और चट्टानों से हासिल किए जाते हैं। नंबर दो कंपोजिशन जो होती है तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बुनियादी अज़ा कार्बन और हाइड्रोजन जबकि कुछ कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन के साथ चंद दूसरे एलिमेंट्स हाइड्रोजन हैलोजन ऑक्सीजन सल्फर वगैरह से मिलकर भी बनते हैं। इसके बरक्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले तमाम एलिमेंट्स बनाते हैं। नंबर तीन कोवेलेंट आपका जो होता है लिंकेज उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट बॉन्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं जो कि पोलर या नॉन पोलर हो सकते हैं जबकि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज़्यादातर आयोनिक बॉन्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं और ये इस तरह आपकी कोवेलेंट लिंकेज कहलाता है। सोलिबिलिटी क्या होती है, सोलिबिलिटी में अगर देखा जाए तो उसमें नॉन जो पोलर लिंकेज की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बनते हैं वो आपके ज्यादातर ऑर्गेनिक सोलिलेंट्स मसलन अल्कोहल बेंजीन कार्बन डाई सल्फाइड वगैरह में सोलेबल होते हैं जबकि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आयोनिक बॉन्ड्स रखने की वजह से पोलर सोलिडेट में सोलेबल हो जाते हैं। नंबर पांच आपका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है उसमें क्या होता है आमतौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं और वोलेटाइल होते हैं। दूसरी तरफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स निस्बतन ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट आप स्टेबिलिटी है, चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की निस्बत हरारती तौर पर कम स्टेबल होते हैं। आपकी जो कंपोस्टेबिलिटी है जिसको आतिशगिरी भी कहा जाता है चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की मकदार ज्यादा होती है इसलिए जल्द आग पकड़ लेते हैं जबकि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर आग नहीं पड़ते। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में क्या होता है और ये इसमें देखते हैं रिएक्शन का जो आइसोमेरिज्म कंपाउंड की सबसे अहम खसूसियत आइसोमेरिज्म होती है और इनकी खसूसियत इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग करती है। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म बहुत कम होती है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है कोवेलेंट लिंकेज की मौजूदगी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन खुद ही तौर पर मॉलिक्यूलर होते हैं। ये आमतौर से सुस्त रफ्तार होता है, उन्हें वकूफ पज़ीर होने के लिए मखसूस आलात जैसे कि टेम्परेचर प्रेशर और कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरह इनका रेट ऑफ रिएक्शन भी चेक किया जा सकता है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। नेक्स्ट है आपका जो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
यानी कि सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। कुदरती तौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जानवर और पौधे बनाए जाते हैं, जबकि जानवर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दो आम ग्रुप्स प्रोटीन्स और फिट्स बनाते हैं। प्रोटीन्स मीट और मटन, चिकन और अंडों वगैरह में पाई जाती है, जबकि आपके जो नेसन दूध और मक्खन वगैरह में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। मजीद पौधे कम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फिट्स और विटामिन बनाते हैं। मजीद दफन में दफन शुदा मुर्दा बायोकेमिकल प्रोसेस के जरिए पेट्रोलियम और गैस में तब्दील हो जाते हैं। ये मादे ऑर्गेनिक कंपाउंड का अहम सोर्स हैं। हम कोयला की आपका डिस्टिलेशन और पेट्रोलियम फ्रैक्शनल आपके जो डिस्टिलेशन से हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। हर सोर्स की वजाहत नीचे 11.1 में दी गई है, और इस तरह इनको जो है ना, इनके जो सोर्सेज ऑफ कंपाउंड्स हैं इनको अलग अलग करके बना दिया जाता है, और उनको जो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी शक्ल को किस तरह शो किया गया है ये आप नीचे देख सकते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स हैं और उनकी सारी की सारी फंक्शनैलिटी 11 पॉइंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ये प्रोटीन्स है, ये फैट्स ऑयल्स वगैरह लाइब्रेंट्स है, और ये डेड प्लांट्स हैं जिनके जिंदा जो पौधे हैं और ये मुर्दा पौधे हैं, और इनके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और इनको इनकी जो फंक्शनैलिटी है इस हायरार्की के थ्रू इनके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ज़राए को ज़ाहर करती है, जिस तरह ये तमाम की तमाम चीजें हमने डिस्कस की हैं प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट आपका कोयला, जिसे आप बोलते हैं कोयला, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स पर मुश्तमिल स्याह रंग का एक पेचीदा मिक्सर है। इसमें बहुत कलील मकदार में नाइट्रोजन सल्फर के कंपाउंड भी पाए जाते हैं। लाखों साल पहले जमीन की तह में दफन शुदा मुर्दा डीकम्पोजिशन की वजह से कोयला बनता है। लकड़ी कोयले में तब्दीली कार्बन कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। ये एक नहायत सुस्त रफ्तार बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये हवा के गैर मौजूद बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर के जेर असर बहुत तफरील अरसे तक तरमील तक पहुँचता है, जैसा कि शक्ल में 11.2 में दिखाया गया है। लकड़ी में 40% कार्बन पाया जाता है। कार्बोनाइजेशन के अमल की हद के बना पर 4 किस्म का कोयला पाया जाता है। ये अकसाम कार्बन की फीसद मकदार और मॉइस्चर की बिना पर एक दूसरे मतलब होती है। टेबल 11.2 में इनमें कार्बन की मकदार और उस बरस जिंदगी और इंडस्ट्री में इनके इस्तेमाल की वजाहत भी बयान की गई है। और वो चार जो किस्म का कोयला होता है वो इनमें आप देख सकते हैं, कोल है, पीट है, लिग्नाइट है, आपका बिटुमिनस है और एंथ्रासाइट है। ये चार किस्म का है। ये प्रेशर के इजाफे के बाद कोयले के बनने के मुख्तलिफ मराहल हैं, और इनके टाइप्स ऑफ कार्बन कंटेंट्स जो होता है वो कहाँ कहाँ पे होते हैं। मिसाल के तौर पर जो पीट है 60% इसमें कार्बन की मकदार होती है। ये गठिया किस्म का कोयला और फर्नेस में इस्तेमाल होता है। ये आपका लिग्नाइट है, ये 70% है। ये नरम किस्म का कोयला और थर्मल पावर स्टेशन में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ आपका जो है बिटुमिनस जो है तो इसमें 80% होता है कार्बन की मकदार। ये कोयला आम किस्म का है और घरेलू इस्तेमाल में काम आ सकता है। नेक्स्ट आपका एंथ्रासाइट, ये 90% इसमें होती है कार्बन की मकदार। ये आला किस्म का सख्त कोयला है और इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये चारों किस्म के कोयला इस्तेमाल किया जा सकता है। आपका जो डिस्ट्रक्टिव जो डिस्टिलेशन की बदौलत कोयला ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स बन सकता है। हवा की अदम मौजूदगी में कोयला को इंतहाई बुलंद टेम्परेचर पर गर्म करना डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है, जबकि हम जानते हैं कि कोयला कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर जैसे एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। बस कोयला की डिस्ट्रक्टिव जो स्टिलेशन होती है उसमें बड़ी तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड और चंद इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी हासिल शुदा चीज़ें होती हैं, और इसमें सबसे पहले कोल गैस। कोल गैस हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिक्सचर पर मुश्तमिल होता है, जिसे से हवा से चलाया जाता है तो हरारत पैदा करती है। इसे आमतौर पर इंडस्ट्री में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये बहुत से मेटल्स जेकल प्रोसेस में इनर्ट करते हैं या रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर मुहैया करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है आपका, यानी कि आप इसको कहते हैं लेकर क्या होता है, इसमें देखते हैं कि ये अमोनिया गैस का पानी में सॉल्यूशन होता है। ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होता है। मतलब जब इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो अमोनियम सल्फेट बनता है, जो कि एक फर्टिलाइजर कहलाता है। कोलदार जो होती है एक गहरा स्याह माया है जो 200 से ज्यादा मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, जिनमें ज्यादातर एरोमेटिक यानी कंपाउंड को फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की मदद से इस्तेमाल किया जा सकता है। चंद आम एरोमेटिक कंपाउंड्स बेंजीन, नॉल, टोलेन वगैरह होते हैं। ये केमिकल्स अद्वियात, रंग पेंट्स, प्लास्टिक फाइबर और पेस्टिसाइड्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इनकी इंटी और हम केमिकल्स के अलावा कोलतार का एक स्याह का वेस्ट भी होता है जो आपका पिच कहलाता है। ये सड़कों, छतों और उनकी सतह को हमवार करने के लिए इस्तेमाल होता है इनके कोलतार। नेक्स्ट आपका कोक,
कोक जो होता है उसमें 90% कार्बन पाया जाता है और ये कोल में वेस्ट के तौर पर बाकी रह जाता है जब कोल डिस्टिलेशन के अमल से गुजारा जाता है, तो इसमें से तमाम अज्जा अलग हो जाते हैं और ये एक और ठोस बेस बाकी जाता है जो कि कोक कहलाती है। ये आपके मेटल्स की एक्सट्रैक्शन के खास तौर पर आयरन की मेटल्स जीड में रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम आता है, इसे फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कुछ लर्न की याद रखने वाली चीज़ें हैं, इनको भी आप लर्न कीजिए। नेक्स्ट आपका जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो भी आप याद रखिए और इसको पढ़कर। नेक्स्ट आपका पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में क्या होता है, पेट्रोलियम गहरा ब्राउन या सब्जी माइल काले रंग का माया है, ये बहुत से गैसें माया और ठोस जो कार्बन का पानी के साथ सॉल्ट और जमीनी पार्टिकल्स का एक पेचीदा मिक्सचर होता है। पेट्रोलियम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक अहम सोर्स है, इसमें बहुत से कंपाउंड्स खासतौर पर हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं। इन कंपाउंड्स को आपका फ्रैक्चरल डिस्टिलेशन बॉइलिंग पॉइंट्स की बुनियाद पर लैदगी की मदद से अलग किया जा सकता है। इन कंपाउंड्स के इस्तेमाल बाब नंबर 16 में टेबल पॉइंट में दिए गए हैं। कोई भी फ्रैक्शन सिंगल कंपाउंड से नहीं बल्कि ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होता है, यानी कि 16 पॉइंट टेबल में दिए गए हैं 16 चैप्टर में। तो इसमें भी पेट्रोलियम के जो कंपाउंड्स हैं उनको विस्तार देखा जा सकता है, उसमें हम देखेंगे उस 16 चैप्टर में। नेचुरल गैस को क्या होता है, कुदरती गैस जिसको हम बोलते हैं, ये कम का मॉलिक्यूलर और मास वाले हाइड्रोकार्बन का मिक्सर है। इसका हम तरीन जो जूस है वो मीथेन 85%, इसमें दूसरे गैसेस एथीन प्रोपीन और ब्यूटन भी अपने मुझ में होती है। इसका जो ओरिजिन है वो भी कोयला और पेट्रोलियम की तरह है, इसलिए ये दूसरी जेर जमीन एशिया के साथ ही पाई जाती है, जैसा कि शक्ल 11.3 में आपको दिखाया गया है। और वो किस तरह होता है वो आपके सामने है। कुदरती गैसों में जो घरों और इंडस्ट्री फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है, ये गाड़ियों में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी की सूरत में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। कुदरती गैस कार्बन ब्लैक और फर्टिलाइजर बनाने में भी इस्तेमाल होती है और इस तरह इनको यूज़ किया जा सकता है। और गैस की जो मौजूदगी और ड्रिलिंग है वो इस तरह की जाती है कुदरती गैस के लिए। नेक्स्ट है आपका है प्लांट्स, प्लांट्स यानी कि पौधे, ज़्यादा पौधे माइक्रो मॉलिक्यूल्स मसलन कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स ऑयल्स और विटामिन बनाते हैं और तमाम अकसाम के कार्बोहाइड्रेट्स का बुनियादी यूनिट्स ग्लूकोज है जो पौधे को फोटोसिंथेसिस के अमल से बनाते हैं। ग्लूकोज पॉलीमर आइस और सक्रूज यानी कि सोर्स और स्टार्च और सेलुलोज से बनाकर इसको इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटीन्स वाले और फैलम आपके फलियों में पाई जाती हैं। प्रोटीन्स पौधे की जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया की नाइट्रोजन आपकी फिक्सेशन की वजह से बनते हैं, तो वो उनमें देखी जा सकती है। ऑयल जो होता है पौधों के बीजों जैसे कि सनफ्लावर, पाम, कोकोनट और ग्राउंडेड में यहाँ पर चीज़ें पाई जाती हैं। विटामिन सेब सिट्रस फ्रूट्स में पाए जाते हैं और इसके अलावा पौधे गम्स आपका और अद्वियात वगैरह में ये चीज़ें हम मुहैया होती हैं। ये प्लांट्स होती है सिंथेसिस इन लेबॉर्ट्री, और लेबॉर्ट्री में इसकी तैयारी कैसे हो सकती है, सिर्फ 200 साल पहले ये ख्याल किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ पौधे और जानवर तैयार कर सकते हैं। इनमें वाइटल फोर्स होती है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए तैयारी काम आती है। 1828 में FM बोलर ने लेबॉर्ट्री में यूरिया यानी कि NH2CuNH2 तैयार करके ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री में बनाने के दरवाजे खोल दिए। इस वक्त से लेकर अब तक तकरीबन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री में तैयार किए जा चुके हैं, जिसे अमोनियम में सफेद किया जाता है। ये सादा से लेकर पेंट्स फाइबर और रबड़ कॉस्मेटिक इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड में ये चीज़ें मौजूद होती हैं जो यहाँ पे तैयार करके इनका आप फॉर्मूला तैयार करते हैं। यूजेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकते हैं आइए देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कुदरती तौर पर जानवर और पौधों के जरिए हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब बनते हैं, लेकिन केमिस्ट में लेबॉर्ट्रीज में लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड्स खाने से लेकर हमारी रोजमर्रा की जरूरत के तमाम एशिया का हिस्सा होता है। नंबर वन आपकी जो खुराक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं उनको वो किस तरह देख देते हैं, यूज एज ए फूड, जो खुराक जो हम रोजाना खाते हैं मसल दूध गोश्त अंडे सब्जियां वगैरह ये तमाम कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट्स और विटामिन वगैरह पर मुश्तमिल है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। नंबर दो आपकी कपड़ों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं यानी कि तमाम अकसाम के कपड़े जो हम इस्तेमाल करते हैं कुदरती फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स से बने होते हैं जो कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। नंबर तीन आपका जो होता है गर्म इस्तेमाल लकड़ी सेलुलर वाला जो कंपाउंड होता है, ये घरों हर किस्म का फर्नीचर पर बनाया जाता है और इसको तो वहां पे भी इस्तेमाल होता है। यूजेज ऑफ फ्यूल और फ्यूल के तौर पर गाड़ियों और घरेलू मकसद के लिए हम कोल, पेट्रोलियम, कुदरती गैस को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करता है, ये फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं, ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अद्वियात के तौर पर यूजेज ऑफ मेडिसिन और बहुत ज्यादातर
तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल होता है। जिंदगी बचाने वाली बहुत सी अद्वियात जैसे कि एंटीबायोटिक लेबॉरेटरी में तैयार की जाती है। नंबर 6 आपका रॉ मटेरियल के तौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सी एशिया जैसे कि रबड़ कागज सियासी अद्वियात सियाही अद्वियात और बैंड और पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल है जो मुख्तलिफ चीज़ों में इसको इस्तेमाल करके हम अपने जो रोज़मर्रा के मामलात है वो अदा करते होते हैं। अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। अल्केन्स सैचुरेटेड कार्बोहाइड्रेट्स या पैराफिन्स होता है। ये पैराफिन मतलब कम अफीन मतलब अफिनिटी। इनका जनरल फार्मूला जो होता है वो आपको यहाँ पे CH2N+2 यहाँ पे ज़ाहर किया गया है। यहाँ एन कार्बन आइटम्स की तादाद है और अल्केन्स में एन की वैल्यू 140 तक होती है। इस तरीके से अल्केन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की सबसे अहम होमोलोग सीरीज बनाते हैं। होमोलोग सीरीज क्या होती है आइए देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनकी एक ऐसी एक जैसी केमी है खसूसियात की बिना पर ग्रुप्स में तकसीम किया गया। हर ग्रुप्स को होमोलोग्स का सीरीज कहा जाता है कि होमोलोग्स सीरीज के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तमाम खसूसियात मंदरज झैल है। नंबर 1 आपकी जो सीरीज के तमाम मेंबर्स की कंपोजिशन को एक जनरल फार्मूला से ज़ाहिर किया। मिसाल के तौर पर आपके अल्केन्स अल्केन्स अल्काइल्स के जनरल बिल तरतीब आप CaCH2 और CaCH2 और CH3 से इन फार्मूलाज की मदद से इनको ज़ाहिर किया जा सकता है। नंबर 2 आपका जो होता है सीरीज में मसल आने वाले मेंबर्स में एक यूनिट CH2 से फर्क होता है और इनके वैल्यूज मॉलिक्यूलर मास 14 का यूनिट से फर्क होता है। नंबर 3 आपका जो इनकी केमिकल स्ट्रक्चर है एक जैसी है क्योंकि ये एक जैसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। नंबर 4 आपका जो होता है उनकी तबीयत खसूसियात बेहतरीन नॉर्मल होती है। इनके मालिक्यूल मास में इजाफे की वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी इजाफा होता है। नंबर 5 उनको एक जैसे जनर से तैयार किया जा सकता है। तो इस तरह इनकी फंक्शनैलिटी को देखा जा सकता है। हाइड्रोकार्बन्स को बुनियादी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स माना जाता है जो कि आप बाकी तमाम कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स में एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स की एक या एक से ज्यादा रिएक्टिव एटम्स को तब्दील करके ये चीज़ें बनाई जाती हैं और ये होमोलोग्स कहलाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स यानी कि अल्काइल रेडिकल्स का बनना कैसे होता है। अल्काइल रेडिकल्स से बनाए जाते अल्केन में एक हाइड्रोजन एटम खर्च करने से बनते हैं और उन्हें लफ्ज और से ज्यादा किया जाता है। टेबल 11.3 में पहले 10 अल्केन्स हैं और इनके अल्काइल रेडिकल्स ज़ाहर किए गए हैं। इनका जनरल फार्मूला आपके सामने है यानी कि CnH2N+1 इसको कहा जाता है। ये अल्काइल रेडिकल्स कहलाते हैं और ये 10 किस्म के अल्काइल रेडिकल्स इस टेबल में दिए गए हैं और वो आपके सामने हैं। मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, बुटेन है, ये इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये अल्काइल रेडिकल्स है और ये उनके नेम से ज़ाहर किए जाते हैं। तो इनको भी आप याद करके अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपका प्रोपेन और बुटेन है यानी कि प्रोपीन स्ट्रील चेन स्ट्रक्चर रखती है जबकि आखिर से एच को ज़ाहर खर्च कर देती है। ये नॉर्मल प्रोपाइल कहलाती है जबकि दरमियान वाले कार्बन से एक एच खर्च कर देता है। ये आइसो प्रोपाइल कहलाती है जैसे कि नीचे बयान किया गया है और वो ये प्रोपीन है और इसको रिमूवल ऑफ टर्मिनल एच है। रिमूवल ऑफ आपका सेंट्रल एच जब ये ख़त्म करेंगे तो एन प्रोपाइल और एसोपाइल आपकी ये चीज़ें आपके सामने ज़ाहर करेगी जब ये अपनी फंक्शनलिटी करती है। इसी तरह जब विटोला रेडिकल्स के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर की वजाहत भी की गई है और वो ये प्रोटीन है और प्रोटीन का रिमूवल जब तक एक निकलता है इसमें से और आपका ये आपका बन जाता है और जब इसको रिमूव किया जाता है तो आपका ये बॉयल बन जाता है। इसी तरह आइसोलोड है आइसो प्रोटोन है इसमें आखिर वाले एच का इखराज और इसमें दरमियान वाले एच का जब इखराज किया जाए तो आइसोप्रोटाइल कहा जाएगा और इसको जो है ना वो यहाँ पे टर्बोटाइल का नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में क्या चीजें होती हैं आइए देखें। एटम या एटम्स का ग्रुप या आप इसको डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स की मौजूदगी को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मखसूस खसूसियात का तयन करते हुए फंक्शनल ग्रुप के तौर पर जाना जाता है। मॉलिक्यूल्स का बाकी हिस्सा ज्यादातर तभी खसूसियात जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह का तयन करता है। मिसाल के तौर पर जो OH ग्रुप अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप है जो कि अल्कोहल्स को मखसूस खसूसियात देता है। आपका हॉर्क एसिड्स की मखसूस खसूसियात CWH ग्रुप की शक्ल में वजह से जाहिर किया जाता है। इसलिए इसको कार्बोनिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप CWH का नाम दिया जाता है। तो इसका इनका वो ग्रुप है जो काम करता है। नेक्स्ट आपका जो फंक्शन है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर मोशनल बॉन्ड के फंक्शनल ग्रुप है वो क्या देते हैं आइए देखते हैं। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर मोशनल फंक्शनल ग्रुप रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल्स, एथेंस और एल्डिहाइड्स आपका कार्बोसाइक्लिक एसिड और एसिड्स होते हैं। इनकी क्लास का नाम फंक्शनल ग्रुप, क्लास का फार्मूला और मसाले टेबल 11.4 में दी गई हैं। इनका जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो सबसे पहले अल्कोहलिक का फंक्शनल ग्रुप जो है उनका जनरल फार्मूला RH है। यहाँ R कोई अल्काइल ग्रुप है मसलन जो मिथाइल है वो CH3 और माइनस अगर OH के साथ करेंगे तो मिथाइल अल्कोहल और N
आपका जो प्रोफाइल अल्कोहल है वो आपका यहाँ पे बनेगा और इसको इन फार्मूला की मदद से जाहिर किया जाएगा जो यहाँ पे शो किए गए हैं। नेक्स्ट आपका है इथर लिंकेज। इथर लिंकेज इथर का ग्रुप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन कैन का जनरल फार्मूला आर ओ आर कहलाता है, यानी कि सी ओ सी से आपका आर आर बन जाएगा। यहाँ पे जो आर है वो आप अल्काइल ग्रुप में से आर और जो आर है एक जैसे मुख्तलिफ होते हैं और उनको इन फंक्शनैलिटी के थ्रू जाहिर किया जाता है जिसको हम डीमिथाइल ईथर और डीथाइल एथर और इथाइल मेथल एथर का नाम दिया जाता है, यानी कि डाइथाइल मेथर और डिथाइल एथर और इनको इन फंक्शनैलिटी की मदद से जाहिर किया जाता है। और एल्डिहाइडक जो ग्रुप है एल्डिहाइडक ग्रुप और उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो किस तरह परफॉर्म की जा सकती है इसको आप दे सकते हैं। एल्डिहाइडल ग्रुप का जो फंक्शन है यहाँ आर से मुराद एच और एच का कोई अलग अलग ग्रुप है जैसा कि आप यहाँ पे इजहार किया गया है, यानी कि आपका जो फॉर्म एल्डिहाइड है और जो एस्ट एल्डिहाइड है उसको इन फार्मूलाज की मदद से इजहार किया जाता है कि आपका एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है। और नेक्स्ट आपका केटाइन ग्रुप है, जो केटाइन ग्रुप में क्या केटोन ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम जो है ना इससे इजहार कर सकते हैं C is equal to O R called cation group और ये जो फार्मूला है इसका जनरल फार्मूला O R C R ये आपका कहलाया है। यहाँ पे जो R है वो आप अल्काइल ग्रुप को जाहिर किया जाता है, ये एक जैसे या मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट आपका कार्बोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप जो होता है आपका जैसा कि यहाँ पे जाहिर किया जाता है वो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप कहलाता है। इनका जनरल फार्मूला और CHO इसको इसे डिनोट किया जाता है और ये जो जनरल फार्मूला है आपका यहाँ से R से मुराद माइनस H या कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है जैसा कि नीचे बयान किया गया है। यहाँ पे जो फार्मिक एसिड्स है और एस्टिक एसिड है ये इनके फार्मूला को इससे डिनोट किया जाता है और ये कार्बोक्सिल ग्रुप कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका है ईस्टर लैंग्वेज। ईस्टर लैंग्वेज में क्या चीजें होती हैं आइए देखते हैं। ईस्टर लैंग्वेज जो होती है वो आर सी ओ डब्ल्यू आर कहा जाता है और इसको फंक्शनल ग्रुप भी कहा जा सकता है जो ईस्टर इंकर कहा जाता है। यहाँ आर और डैश आर जो अल्काइल ग्रुप या एक जैसे भी हो सकते हैं जैसा कि मिथाइल एसिड है और इथाइल एसिड है, इनको आप इन फार्मूला की मदद से जाहिर किया जा सकता है। टेबल 11.1 में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर मुश्तमिल जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो दिखाए गए हैं, तो आप इनके फंक्शनल ग्रुप क्लास फार्मूला और एग्जाम्पल्स आप देखकर इनको मेमोराइज कर सकते हैं। फंक्शन ग्रुप कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी इसमें पाई जाती है फंक्शनल ग्रुप में, और वो क्या क्या चीजें होती हैं आइए देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन और हैलोजन फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद हों अल्काइल हैलाइड्स कहा जाता है उनको अल्काइल कहा जाता है। इनका फंक्शनल ग्रुप जो आर एक्स है, एक्स कोई भी हेलोजीन है यानी कि आपका एफ सी एल है, ब्रोमीन है या आयोइन हो सकती है। टेबल 11.5 में कार्बन हाइड्रोजन और हेलोजीन पर मुश्तमिल फंक्शनल ग्रुप होता है। मिसाल के तौर पर जो अल्काइल है वो आपका यहाँ पे जो ग्रुप में चीज़ें दिखाई गई हैं ये आपका प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टेंटरी है, एक फंक्शनल ग्रुप है, ये क्लास फार्मूला है और यहाँ पे आपका जो क्लास का नाम दिया गया है और ये आपके एग्जांपल्स हैं। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन एंड हैलोजन्स के फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड क्या होती है आइए इसमें भी देखते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड ऐसे हाइड्रोजन कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं जो दो कार्बन आइटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड से उसमें पाई जाती है, अल्केन्स कहलाते हैं। और जैसा कि आपको H2O18 = CH3 और H3 - H3 = CH3 ये आपका प्रोटीन कहलाता है। और इसमें ऐसे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो दो कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड्स अल्काइल्स कहा जाता है। टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप के इसका फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट किया जा सकता है किस तरह अनसैचुरेटेड जो चीजें होती हैं जैसे कि ब्रोमिक वाटर टेस्ट है इसको अगर आप देखेंगे और टेस्ट ऑफ और C = C - C = C+ इस तरह आपका ये फंक्शनैलिटी इसको टेस्ट के तौर पर देखा जा सकता है। सबसे पहले जो ब्रोमिन वाटर टेस्ट है इसमें क्या होता है, इसमें आप दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक चिंकी को 0.0 सेंटीमीटर कार्बन टेट्रा क्लोराइड में हल करें। अब इसमें 2 सेंटीमीटर ब्रोमिन वाटर शामिल करें और हलाएं। नतीजा आपका क्या होगा, आपका जो है ब्रोमीन विल बी डिक्लोजर्स यहाँ पे
ब्रोमीन का रंग जो है वो खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट आपका वायरस टेस्ट, आप 2.2 जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को पानी में हल करें। अब इसमें अल्काइन यानी कि KMNO3 सॉल्यूशन के 2 से 3 कतरे शामिल करेंगे, नतीजा आपका गुलाबी रंग आपका इसमें गायब हो जाएगा। ये वायरस टेस्ट ब्रोमाइन टेस्ट इसमें हो जाएगा। टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप में अगर देखेंगे तो सोडियम मेटल टेस्ट कैसे की जा सकती है, आइए देखते हैं। एक खुश्क ट्यूब टेस्ट में ऑर्गेनिक माया का जो 0.3 सेंटीमीटर लें और इसमें सोडियम मेटल का एक टुकड़ा डालें, नतीजा हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। यानी कि इसमें सोडियम का जहां पे हाइड्रोजन गैस खारिज होगी तो वो आप समझ लेना कि वो अल्कोहलिक ग्रुप है। ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट क्या होती है इसमें देखते हैं। 1.0 सेंटीमीटर ऑर्गेनिक 1.0 एस्टिक एसिड और 1-2 कतरे कंस्ट्रक्टेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करेंगे तो आपका फ्रूटी खुशबू यानी कि फ्रूटी स्मेल वहां से खारिज होगी। टेस्ट फॉर कार्बोक्साइल ग्रुप को अगर टेस्ट किया जाए लिटमस टेस्ट हो सकता है। ये दिए हुए कंपाउंड की एक चुटकी को पानी में हल करें और इसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन का कतरा डालें तो लिटमस सॉल्यूशन आपका सुरक्षित हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का जो आप टेस्ट है वो किस तरह कर सकते हैं। सॉल्यूशन टेस्ट है इसका NaHCO3 का 2 सेंटीमीटर सॉल्यूशन है जिसमें आपने NaHCO3 की मात्रा 5% होगी, इसमें दिए कंपाउंड से एक चुटकी डालें तो बुलबुलों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड आपकी यहां पे खारिज होगी और डिटेक्शन ऑफ इसमें जो एल्डिहाइड जो है ग्रुप है उसको किस तरह देखा जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप को किस तरह डिटेक्ट किया जाएगा वो देखते हैं। सोडियम आपके बाइसल्फेट का जो टेस्ट है वो इसमें कैसे होगा, दिए गए कंपाउंड के आपको 2.2.5 सॉल्यूशन को 1.2 सैचुरेटेड सोडियम बाइसल्फेट सॉल्यूशन में दिया जाएगा, नतीजा आपका सफेद क्रिस्टलाइन सफू बन जाएगा। तो इस तरह इनकी फंक्शनैलिटी को देखा जा सकता। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट किस तरह किया जा सकता है, आपका जो फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी की मकदार को टेस्ट ट्यूब में मिक्स करें, एक चुटकी कंपाउंड को डालें और 5 मिनट में आपका नतीजा सामने होगा और सुर्ख सफेद आपका सबूत बनेगा। टेस्ट वार किटोनिक ग्रुप में आपका फर्टाइल हाइड्राइज टेस्ट आप लेंगे तो दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एक छोटे तकरीबन 2.0 जो सेंटीमीटर फर्टाइल हाइड्रोजन सॉल्यूशन में हल करेंगे तो नतीजा आपका सुर्ख रंग का सफूर बनेगा। ये आपका कार्बोनिक ग्रुप के टेस्ट इस तरह किया जाएगा। नेक्स्ट आपका सोडियम नाइट्रो फॉस्फेट का टेस्ट किस तरह किया जा सकता है और इसको किस तरह फंक्शनैलिटी को देखा जा सकता है। एक टेस्ट ट्यूब में है जिसमें 2.0 जो है ना सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन लें और इसमें 2 से 3 कतरे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो इसमें दिए गए बॉडी की एक चुटकी डालें तो हलाएं, इसका रंग सुर्ख हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है विद फेलिंग सॉल्यूशंस, यानी फेलिंग सॉल्यूशंस के साथ किस तरह होगा, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। प्राइमरी अमाइनो ग्रुप जो होता है उसके लिए टेस्ट अगर करेंगे तो कार्बल अमाइन टेस्ट आपका यहाँ पे होगा तो इसमें दिए गए कंपाउंड का तकरीबन 0.2 ग्राम इसमें जो 0.5 सेंटीग्राम क्लोरोफॉर्म और 0.2-3 जो एल्कोहल की वजह डालेंगे तो इंतहाई खुशगवार जो आपकी चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट अबाउट विल बी गिवन आउट। इसके रिजल्ट का टेस्ट फॉर ईस्टर ये अपनी फ्रूटी बू की बदौलत पहचानने जाते हैं जो ईस्टर होते हैं। तो ये स्टूडेंट ये कुछ जो फंक्शनैलिटी थी उनके ग्रुप के, जितने भी हमने 4 किस्म के ग्रुप डिस्कस किए, चारों के किस तरह टेस्ट किए जा सकते हैं उनके बारे में बताया। नेक्स्ट आपके की पॉइंट्स हैं और की पॉइंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड के होमोलोगस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के होमोजेनस और कोयला आपके कितने किस्म का होता है, पिछुचन से और इंटर साइड से कोयला की डिस्ट्री आपका आपका जो डिस्प्लेशन है, पेट्रोलियम में कंपाउंड्स किस तरह होते हैं, कुदरती गैस है, जिंदा पौधे और मैक्रोबस आदा कंपाउंड्स किस तरह बनते हैं और इस तरह इन तमाम किस्म की जो फंक्शनैलिटी है वो हमने इस चैप्टर में डिस्कस की, चैप्टर 11। ये पूरे का पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये कंसेप्ट डायग्राम है जिसके थ्रू ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फंक्शन अपना परफॉर्म कर रही है, तो इसको भी आप मेमोराइज रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। आगे आपके एक्सरसाइजेज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और कुछ अगर फार्मूले दिए गए होंगे तो जितने भी हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स के अल्काइल हैं, गैसेज वगैरह के हैं और मीथेन वगैरह के फार्मूले हमने डिस्कस किए उनको आप मेमोराइज करके उनको आप याद ही नहीं कर सकते बल्कि अपने एग्जाम की इसके साथ तैयारी भी कर सकते हैं और इनमें मुख्तलिफ किस्म की और चीज़ें भी डाल सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के सवालात होंगे आगे और शार्ट क्वेश्चंस हैं, उनको आप याद करके अपने नॉलेज को इनहेंस करके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कुछ उसमें जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे तो उस तरह उनको आप याद करके मज़ीद अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हो। तो ये था बाब आपका 11 यानी चैप्टर 11 यूनिट 11 जिसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मुख्तलिफ उनकी फंक्शनैलिटी थी उनको डिस्कस किया, उनके फार्मूलाज को डिस्कस किया और उनकी
ओवरऑल तमाम की तमाम जो फंक्शनैलिटी थी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड और किस तरह उनके जो बॉन्ड्स वगैरह तैयार होते थे उन्होंने डिस्कस किया। तो इससे पहले चैप्टर लेक्चर का अहतमाम करें, तमाम स्टूडेंट जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनसे गुजारिश है और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों अपने रिलेटिव्स को लाजमी शेयर करें, क्योंकि थोड़ी सी स्पीड होती है, आप इसको स्टेप बाई स्टेप और पॉज कर करके इन तमाम चीज़ों को आप गो थ्रू कर सकते हैं और अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आप सीख रहे हैं पैसे देकर मुख्तलिफ अकेडमीज में, आप उसके छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तनवीर अहमद स्पीक चैनल पे, तनवीर अहमद स्पीक फेसबुक पेज पे और स्कॉलर्स अकेडमी एंड होम ट्यूटर्स अवेलेबिलिटी, जो हम होम ट्यूटर भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो भी अगर किसी ने ट्यूशन पढ़ना हो तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकता है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाजमी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच पहुँच सके और लोग इससे फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त, हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। हाइड्रो कार्बन्स के साथ चैप्टर 12 में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।